हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर आप लोग में काफ़ी ज़्यादा डाउट है, तो इस पर हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे। निगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप जो सिस्टम है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। वी साइड दिस गाइज, आई हैव इंक्लूडेड अलॉट ऑफ क्वेश्चन इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वोकेशनल एजुकेशन का ड्यूरेशन कितने ईयर्स का होता है? तो देखिए गाइस, ये भी एक बैचलर कोर्स है, तो इसका भी ड्यूरेशन 3 ईयर्स का होता है। लेकिन गाइस, इस कोर्स को करने का कुछ बेनिफिट मिल जाता है, या फिर हम इस कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हैं तो पर भी हमें जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाता है इस कोर्स से। क्योंकि गाइस, अगर हम इस कोर्स को 1 साल करके छोड़ देते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम 2 साल बाद छोड़ते हैं फिर भी हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर हम इस कोर्स को 3 साल तक करते हैं तो फिर हमें डिग्री मिल जाती है। तो गाइस, इस कोर्स को करने से हमें लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेरी है गाइस, सर स्कॉलरशिप को फॉर्म कब भरना होगा? देखिए गाइस, जो स्कॉलरशिप फॉर्म होता है उसे हम 2 पोर्टल्स के थ्रू भर सकते हैं। पहला तो स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू, और दूसरा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू। और दोनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर। तो गाइस देखिए, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, तो इसके लिए सभी बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो गाइस, आप लोगों को अपना स्कॉलरशिप फॉर्म जो है ना, अपने स्टेट के स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू ही भरना होगा। तो आपको पता करना होगा कि आप लोगों के स्टेट में जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो निकल गया है कि नहीं निकला है, ठीक है? तो आपको पता करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे। होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेरी, एंट्रेंस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं? गाइस देखिए, नेगेटिव मार्किंग तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं होता है, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट लिया जाता है आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम। और इस बार ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आज ही आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो वेट कीजिए उस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेरी गाइस, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी है, यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं? तो गाइस, एक बार और मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस, ये रहा आप लोगों का नोटिफिकेशन। तो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हो, फर्स्ट पैरा में ही बताया गया है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन अप्लीकेशन एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन वॉरियस प्रोग्राम थ्रू मेरिट फॉर यूजी। देखिए गाइस, यहाँ क्लियरली लिखा गया है थ्रू मेरिट फॉर यूजी, मतलब यूजी का जो एडमिशन होने वाला है वो मेरिट के बेसिस पे होने वाला है, ना कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो आपका जो डाउट है वो जेन्युइन है, मैं मानता हूँ। सो आई होप गाइस आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।